बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द ऑनलाइन क्लासेस ऑफ क्लास 9th. दिस इज योर इंग्लिश लेसन, डे 2 ऑफ वीक 9. इंशाल्लाह आज के लेसन में हमारा जो टॉपिक डिस्कस होगा वो है काइंड ऑफ सेंटेंस. सेंटेंस की मुख्तलिफ अकसाम के बारे में पढ़ेंगे. इस लेसन के बाद आप लोग जानोगे कि सेंटेंस की इकसाम क्या हैं और हम किन मौके पे कौन किस किस्म के जुमले जो है वो इस्तेमाल करते हैं. इसकी काइंड्स पढ़ने से पहले हम सेंटेंस को समझ लें कि वो क्या है. अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट आर पुट टुगेदर टू मीन समथिंग. ठीक है, वो कह रहे हैं कि ग्रुप वर्ड्स का एक ऐसा ग्रुप जिनको जब इकट्ठा रखा जाए तो उसका कोई मतलब हो तो उसे हम सेंटेंस कहते हैं. ठीक है, अ सेंटेंस इज द बेसिक यूनिट ऑफ लैंग्वेज विच एक्सप्रेसेस अ कम्प्लीट थॉट. जब आपको कोई जुमला अल्फाज का ऐसा ग्रुप जो आपको एक कम्प्लीट थॉट दे, एक मुकम्मल ख्याल पेश करे, मतलब आपको एक मुकम्मल तौर पर किसी चीज़ की समझ आए तो उसे हम सेंटेंस कहते हैं. अब लिखा हुआ है अ कम्प्लीट सेंटेंस हैज़ एट लीस्ट अ सब्जेक्ट एंड अ मेन वर्ब टू स्टेट डिक्लेयर अ कम्प्लीट थॉट. ठीक है, कि एक कंप्लीट सेंटेंस में कम से कम एक सब्जेक्ट और एक मेन वर्ब जो है वो ज़रूर होता है ताकि वो कंप्लीट थॉट जो है वो एक कंप्लीट बात जो है वो अगले बंदे को समझ आ सके. सब्जेक्ट बेटा कौन होता है? सब्जेक्ट जो होता है परफॉर्मर होता है. ठीक है, जो भी एक्शन को परफॉर्म करता है उसे हम सब्जेक्ट कहते हैं. और वर्ब जो आपको पता है ऑलरेडी कि वर्ब इज़ अ डूइंग वर्ड या फिर वर्ब इज़ एन एक्शन वर्ड. तो यहाँ पे आप नीचे एग्जाम्पल देखें, लिखा हुआ है कि वॉकर वॉक्स. वॉकर इज़ अ नेम हेयर, इट्स अ नाउन, प्रॉपर नाउन. और चूंकि ये परफॉर्मर है, एक्शन क्या हो रहा है, वॉक चला जा रहा है, वॉक की जा रही है और कौन कर रहा है, वॉकर. तो ये परफॉर्मर है वॉकर, तो इट मीन्स कि ये सब्जेक्ट है और ये वर्ब है. अच्छा, यहाँ पे नीचे आपको ये बात भी बताई, यही बताई हुई है बात कि अ सब्जेक्ट इज द नाउन दैट इज डूइंग द मेन वर्ब. सब्जेक्ट हम उस नाउन को कहते हैं जो कि उस मेन वर्ब को कर रहा होता है. और नीचे ये भी बताया हुआ है कि द मेन वर्ब इज the verb that the subject is doing. और जो main verb जो है वो action वो वाला होता है जो कि subject perform कर रहा होता है. हम आगे जो है वो kinds of sentence को discuss करेंगे, लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूँ कि English sentences में हमारा जो pattern होता है, जो तरीकाकार होता है, वो क्या होता है कि order जो है वो ये है कि सबसे पहले subject आता है, फिर जो है वो verb आता है और फिर object आता है. ठीक है, पहले subject आता है, अगर कोई helping verb की ज़रूरत हो तो फिर हेल्पिंग वर्ब ऐड किया जाता है और फिर वर्ब, मेन वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट. ठीक है, अब हम काइंड ऑफ सेंटेंसेस देखते हैं. जो काइंड है दैट इज डिक्लेरेटिव सेंटेंस, इनको हम असर्टिव सेंटेंसेस भी कहते हैं. ठीक है, अब यहाँ पे देखें कि क्या बताया जा रहा है कि अ डिक्लेरेटिव सेंटेंस और डिक्लेरेशन इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ सेंटेंस. इट टेल्स समथिंग, यानी कि जिस जो भी जुमले में आपको कोई बात बताई जा रही होगी, अब वो बताना कुछ भी हो सकता है, जैसे कि आई एम हंग्री, ये भी एक बात है, या ही इज स्टडिंग, वो पढ़ रहा है, ये भी एक बात है, या आई सॉ अ मूवी लास्ट नाइट, ये भी एक बात बताई जा रही है, डिक्लेयर किया जा रही है कोई चीज़. तो कोई भी ऐसी बात जिसमें आपको कोई चीज़ बताई जाए तो उसे हम डिक्लेरेटिव सेंटेंस या फिर असर्टिव सेंटेंसेस कहते हैं. अब यहाँ लिखा हुआ है कि इट एंड्स विद अ फुल स्टॉप, कि वो जो है फुल स्टॉप से उस इन जुमलों को एंड किया जाता है. अच्छा, मैं आपको यहाँ बता दूँ कि डिक्लेरेटिव या असर्टिव सेंटेंसेस की दो काइंड्स हो सकती हैं. ठीक है, या होती हैं, हो सकती हैं, नहीं होती हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस. यानी कि अफर्मेटिव सेंटेंस हम मस्बत जुमलों को कहते हैं और नेगेटिव सेंटेंस जो है वो हम मनफी जुमलों को कहते हैं. अब जो भी बात बताई जा रही है, बाज़ औक़ात उसमें किसी चीज़ का इनकार भी तो हो सकता है. जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर जुमला एक स्टेटमेंट हो कि आई लाइक मैंगो, ठीक है, तो इसमें ये एक पॉजिटिव सेंटेंस है और इसमें एक चीज़ बताई जा रही है कि मुझे आम पसंद है. लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि हम सेंटेंस में किसी चीज़ की नेगेटिविटी हो, यानी कि जैसे कहा जाए कि आई डोंट लाइक मैंगोज, ये भी तो बात बताई ही जा रही है ना, लेकिन ये एक नेगेटिव सेंटेंस है. तो हम असर्टिव सेंटेंसेस की दो डिवीजन है, या दो हम उनको उसमें क्लासीफाई कर सकते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंसेज यानी कि मस्बत जुमले और नेगेटिव सेंटेंसेज यानी कि मनफी जुमले. ठीक है, यहाँ पर मैंने नीचे दोनों एग्जाम्पल दी हुई है, द डॉग इज़ हैप्पी. अब यहाँ पर आप सेंटेंस फॉर्मेशन देखें कि इसमें ऑर्डर क्या है. द डॉग जो है वो नाउन है या सब्जेक्ट है, और वो क्या है, इज यहाँ पे वर्ब है, हैप्पी जो है वो हमारा एज एन ऑब्जेक्ट आ जाएगा,
तो द डॉग इज हैप्पी, यहाँ पे सेंटेंस की आप फॉर्मेशन देख रहे हैं कि पहले सब्जेक्ट है, फिर वर्ब है और फिर ऑब्जेक्ट आ रहा है। और जब हम जुमले को नेगेटिव बनाया तो वर्ब के बाद हमारा नॉट आ गया। तो हमारी तरतीब जो है वो मुख्तलिफ काइंड के जो सेंटेंसेस होते हैं उनमें चेंज होती रहती है। ये मैं आपको बेसिक सेंटेंस का ही एक ऑर्डर बता रही हूँ कि जब आपका एक नॉर्मल सेंटेंस होता है, एक असर्टिव सेंटेंस होता है या फिर एक बेसिक स्टेटमेंट होती है, तो उसमें क्या होता है कि सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, फिर अगर आपके पास कोई हेल्पिंग वर्ब हो तो हेल्पिंग वर्ब, फिर वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट। अच्छा, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। इंट्रोगेटिव यानी कि सवालिया जुमले। जब आपने किसी से कोई चीज़ पूछनी होती है, जब आप किसी से कुछ पूछते हैं, तो आप जिस किस्म के जुमले इस्तेमाल करते हैं उन्हें हम सवालिया जुमले कहते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल कि यहाँ पे स्टेटमेंट देखिए क्या लिखी हुई है कि एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस और क्वेश्चन आस्क समथिंग, यानी कि जब किसी चीज़ का पूछा जाए उसे हम क्वेश्चन कहते हैं या फिर इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। और इट एंड्स विद अ क्वेश्चन मार्क, और यहाँ पे इन सेंटेंसेस के एंड में हम फुल स्टॉप नहीं लगाते बल्कि इन सेंटेंसेस के एंड में क्वेश्चन मार्क लगता है। ओके, लुक एट दिस एग्जाम्पल लिखी हुई है, इज द डॉग हैप्पी। अब यहाँ पे आप देख रहे हो कि जो इज नाउन के बाद आया हुआ था, जब एक सेंटेंस इंट्रोगेटिव बना तो वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में वो चीज़ पहले आ गई। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब जो भी था वो जुमले के शुरू में आ गया और बाकी जो है वो ऑर्डर तकरीबन वही है। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में हमारे पास जो भी हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं हम उनको जुमले के आगाज में या बिगिनिंग में लिख देते हैं। और ये आपकी सेकेंड टाइप थी। नाउ द थर्ड टाइप या थर्ड काइंड ऑफ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बेटे आप लोगों ने इंटरजेक्शन के टॉपिक में पढ़ा था कि इंटरजेक्शन ऐसे वर्ड्स होते हैं जो कि आपकी स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स को या सडन इमोशन को जाहिर करते हैं। तो जिन इसी तरह जिन जुमलों में आपकी कोई गैर मामूली चीज़ होगी, कोई गैर मामूली बात का इजहार होगा, तो उन जुमलों को हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस कहते हैं। ठीक है, अब लिखा हुआ है कि एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस और एक्सक्लेमेशन से समथिंग आउट ऑफ द ऑर्डिनरी, गैर मामूली चीज़। ठीक है, और ये चीज़ जो है वो क्या बता रहे हैं कि इस तरह के सेंटेंसेस जो हैं वो एक्सक्लेमेशन मार्क के साथ एंड होते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर लिखा हुआ है कि दैट डॉग इज द हैप्पीएस्ट डॉग आई हैव एवर सीन। ठीक है, या यहाँ पे वही वाले जुमले भी जिस तरह हमने इंटरजेक्शन की एग्जाम्पल में पढ़े थे कि सेंटेंसेस में हुर्रा, आई हैव वॉन द मैच, या अलास, आई हैव लॉस्ट द मैच, इस तरह के सेंटेंसेस में फिर क्या होता है कि शुरू में इंटरजेक्शन आ जाते हैं और बाकी सारा सेंटेंस वैसे ही रहता है और उसके साथ हम मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन लगाते हैं। इम्पेरेटिव सेंटेंस। इम्पेरेटिव सेंटेंस इज अ काइंड ऑफ सेंटेंस इन विच अ कमांड और अ रिक्वेस्ट इज शोन। ठीक है, कि आपके सेंटेंस में जब कमांड या रिक्वेस्ट होगी उन सेंटेंसेस को हम इम्पेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। जैसे अब नीचे आपको मिसाल भी दी हुई है कि गिव द डॉग अ बोन। अब इसमें यहाँ देखिए, द डॉग जो है वो एक नाउन है, ठीक है, बोन भी एक नाउन है, लेकिन मैं सब्जेक्ट की बात कर रही हूँ। अब यहाँ पे क्या हुआ है कि जब हुक्मिया जुमले जो होते हैं, इम्पेरेटिव सेंटेंसेस जो होते हैं, उनमें क्या होता है कि उनमें जो वर्ब्स होते हैं उनको जुमले के आगाज में या जुमले की बिगिनिंग में ला के रख दिया जाता है, जिसकी वजह से ये सेंटेंसेस जो हैं वो हुक्मिया जुमले बन जाते हैं। अब गिव द डॉग अ बोन का मतलब है कि ये अब एक हुक्मिया जुमला है कि डॉग को जो है वो एक हड्डी दो। ठीक है, तो इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में वर्ब्स जो हैं वो जुमले के स्टार्ट में होते हैं। टाइप इज ऑपरेटिव सेंटेंस। वैसे अगर आप सर्च भी करेंगे तो आपको मिलेगा कि बेसिक काइंड्स जो है वो सेंटेंसेस की फोर ही हैं, डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस या असर्टिव सेंटेंसेस जिसमें कोई स्टेटमेंट दी जा रही होती है, कोई बात बताई जा रही होती है, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस जिनमें कोई बात पूछी जा रही होती है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस जिनमें आपको कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कोई चीज़ या आपकी एक्स्ट्रा सडन या फीलिंग या कोई स्ट्रॉन्ग इमोशन जो है वो डिस्क्राइब किया जा रहा होता है, वो सेंटेंसेस एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस कहलाते हैं। और चौथा हमने टाइप पढ़ी इम्पेरेटिव सेंटेंसेस, जिनमें कोई ऑर्डर पास किया जा रहा होता है या फिर कोई रिक्वेस्ट की जा रही होती है। अब ये हमारी जो पांचवी टाइप है दैट इज ऑपरेटिव सेंटेंस। ऑपरेटिव सेंटेंस इंडिकेट्स अ विश, प्रे और डिजायर। ठीक है, आपको जब कोई ख्वाहिश होती है आपकी, कोई दुआ या फिर कोई जरूरत जो है वो उसका डिजायर का आप इजहार करते हो, तो वो सेंटेंसेस जो हैं उन्हें हम ऑपरेटिव सेंटेंसेस कहते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने मिसाल के तौर पर लिखा हुआ है कि मे द अलमाइटी हेल्प इन दिस ट्रेजेडी।
अब ये एक दुआया जुमला है कि इस मुश्किल में जो है वो खुदा मदद करे, या फिर यहाँ पे जब हम किसी को कॉन्ग्रेट करते हैं, किसी को मुबारकबाद देते हैं, या किसी के लिए इस खुशी का इजहार करते हैं, या उसके लिए नेक तमन्नाओं का इजहार करते हैं, तो उसके लिए भी हम ऑप्टेटिव सेंटेंसेस इस्तेमाल करते हैं, दुआया कलमात इस्तेमाल करते हैं, जैसे विश यू अ वेरी सक्सेसफुल मैरिड लाइफ या लॉन्ग लिव पाकिस्तान। इस काइंड के सेंटेंसेस जो हैं इन्हें हम ऑप्टेटिव सेंटेंसेस कहते हैं, जो कि दुआया कलमात होते हैं या फिर उनमें कोई किसी ख्वाहिश का या नेक तमन्नाओं का इजहार किया गया होता है, उनके इन सेंटेंसेस को हम ऑप्टेटिव सेंटेंसेस कहते हैं। काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस जो है वो खत्म होती हैं। नाउ द असाइनमेंट बेटा, आई विल शेयर अ डॉक्यूमेंट विद यू, उसमें आपको ये सारी चीज़ें जो है वो मेंशन होंगी, आपने ये सारा काम अपनी नोटबुक्स पे करना है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। दिस इज़ द लास्ट लेसन ऑफ योर ऑनलाइन क्लासेस। इंशाल्लाह जो हमारा नेक्स्ट लेसन होगा उसमें हम आपके साथ ओवरऑल एक समरी शेयर करेंगे कि हमने इन 9 वीक्स में जो है वो क्या क्या काम किया। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।